बिहार में अपराध को लेकर नीतीश कुमार पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष भी लगातार ट्वीट करके सरकार को घेर रहा है। इसी क्रम में आज छात्र राजद ने प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव के नेतृत्व में नीतीश कुमार का पुतला दहन किया और एक आक्रोश मार्च भी निकाला गया। यह आक्रोश मार्च राजद कार्यालय से लेकर आयकर गोलंबर तक गया, जिसमें भारी संख्या में राजद के कार्यकर्ता शामिल हुए और सरकार के विरोध में नारे लगाते रहे। बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर सरकार लगातार बैकफुट पर है और अब छात्र राजद अध्यक्ष आकाश यादव इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा पूरे बिहार के तमाम जिलों में जो नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी के द्वारा जो लगातार अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है और AK-47 जैसे बड़े हथियारों को जो खिलौना का दर्जा दिया जा रहा है, उसके विरोध में आज हम लोगों ने सड़क पर उतरने का काम किया है और नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी से हम लोग इस्तीफा की मांग करते हैं। बड़का मोदी पाकिस्तान के सामने में घुटने टेक दिया है और छोटका मोदी बिहार के अपराधियों के सामने में घुटना टेक लिया है और आज हम लोगों ने सुशील कुमार मोदी को चूड़ी और बिंदी पहनाकर पूरे पटना के सड़कों समेत पूरे बिहार के सड़कों पे घुमाने का हम लोग। अच्छा, नाम और परिचय अपना। आकाश यादव, बिहार प्रदेश अध्यक्ष छात्र। ठीक है।